तो गाइस कैसे हैं आप लोग। नवी वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में आप लोग को माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका निक नेम है द टॉय ट्रेन। ये 2 फीट नैरो गेज लाइन है और ये 88 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी से स्टार्ट होती है और दार्जिलिंग में इसका लास्ट स्टॉपेज है। ये टी ग्रोइंग जो टी बगान होते हैं उससे उसके बीच से होके जाती है। ये वेस्ट बंगाल में है और इसे 1881 में बनाया गया था सर एस्ले इडन द्वारा। 1999 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। सेकेंड नंबर पर आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। ये सिंगल लाइन है और 46 किलोमीटर इसका रेंज है। ये तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये भी 2 फीट नैरो गेज लाइन है। ये 2005 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। थर्ड नंबर पे आता है कालका शिमला टॉय रेल्स। इसके बारे में हम फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। कालका शिमला टॉय ट्रेन को यूनेस्को द्वारा 8 जुलाई 2008 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। कालका शिमला टॉय ट्रेन की सारी हिस्ट्री और जो भी उसके टेक्निकल इशू रहे और अंग्रेज़ों के टाइम में बनाने में उसको कितनी कठिनाइयाँ और कितना किलोमीटर का जो समय का वे बनाया गया है वो सब सारे डिटेल्स जो मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। कालका शिमला टॉय ट्रेन की जर्नी में आप लोग को 18 स्टेशन्स मिलेंगे, 103 टनल्स मिलेंगे और 969 ब्रिज और 3% का आपको पूरे रोड में स्लोप मिलेगा। आपको इसी रूट में 1143.61 मीटर का टनल मिलेगा जो बोरेंग स्टेशन के पहले जस्ट पहले पड़ता है और ये इस रूट का सबसे लंबा टनल है। और आपके ट्रेन की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति आवर की एवरेज स्पीड होने वाली है। आपको जर्नी को एंजॉय करना है तो आपको टॉय ट्रेन ही चूज करनी चाहिए। और आपको इधर से दो रूट मिल जाते हैं, एक आप टॉय ट्रेन से जा सकते हैं या फिर दूसरा आप बाई बस जा सकते हैं। नियर अबाउट टॉय ट्रेन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है बट बस तुम आपको जल्दी पहुंचा दे। आपको बहुत जल्दी है कोई काम है तो आप बाई बस जाइए, नहीं तो आप के लिए टॉय ट्रेन ही उचित होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ में हैं और इन्जॉय करने जा रहे हैं तो आपको टॉय ट्रेन मिस नहीं करना चाहिए। Thank you.
कंटिन्यूसली चेंज ही है ना। सोलन, दिस इज सोलन रेलवे स्टेशन।
शादी पा गया भैया। हम आ गए शिमला रेलवे स्टेशन फिर से। हम अब रिटर्न हो रहे हैं अपने घर के लिए। ओहो पूरा देखिए धुंध, कुछ दिख नहीं रहा। पूरा स्नोफॉल होने के बाद पूरा धुंध हो जाता है, ऐसा कुछ पूरा स्नो कवर्ड है। स्टार्टिंग जब आया था तो इधर कोई स्नो नहीं था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा भी नहीं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है भाई। तीन को निकलना पड़ रहा है क्योंकि हमको अगर तीन को नहीं निकलता मैं तो फिर टाइम लग जाएगा, कम से कम छः को सात को निकलना पड़ेगा।
तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हम अभी हमारी ट्रेन रेडी है, वो अभी आपको दिख रहा होगा। फिर से वही रिटर्निंग टाइम में टॉय ट्रेन का यूज़ किया था। रिटर्निंग टाइम में भी टॉय ट्रेन का यूज़ करके हम कालका जाते हैं, कालका से बस उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू कानपुर, कानपुर टू इलाहाबाद। डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है 200 के, मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है, देखते हैं क्या करना होता है। तो हम पहुंच गए शिमला रेलवे स्टेशन। स्नो कवर्ड होने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, आज देखने को मिलेगा कि टोटल फुल स्नो कवर्ड है। अभी देखो पूरा धुंध है भाई, स्मॉग हो रखा है और ज्यादातर आज के बाद ट्रेनें भी मैंने भी बंद हो जाए। भाई क्या हुआ हमारे साथ ना, लास्ट टाइम आते वक्त हम लोग सबसे पहले D1 में थे, फर्स्ट डिबी में थे, लेकिन जाते वक्त फर्स्ट सीट और जाते वक्त ऐसा है लास्ट डिब्बा डिद्री एंड लास्ट सीट भी हम लोग की है। गजब भाई कैसा इत्तेफाक है, आई डोंट नो, बट अभी देखो पूरा ट्रैक पर स्नो है और इधर आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा लेकिन पूरा का पूरा स्नो है उधर साइड भी। वेरी गुड।